Dear students, uh, this is our uh, second lecture and uh, today we will be discussing SLO number 1.3.1 uh, 1, uh, that is regarding uh, the, the Pakistan's ideology in the light of speeches of Dr. Allama Muhammad Iqbal and qaid azam Muhammad Ali Jinnah. I want to see amal the Punjab, the Northwestern western front, uh, province, Sindh and in, uh, Balochistan uh, into a single state. तो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के आइडियोलॉजी है क्या उसकी डेफिनेशन क्या है मीनिंग क्या है सिग्निफिकेंस क्या है उसके कंटेंट कौन कौन से हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी जो कि इस्लाम के ऊपर बेस करती है जो ट्यू नेशन थीरी हमारी आइडियोलॉजी का क्रक्स है वो हमारे फोरफादर्स ने कैसे अपनी इस्पीच के अंदर उसको डिफ़ाइन किया है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आ, अलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कि उन्होंने कौन सी चीज़ों के तहत हमें हमारी आइडियोलॉजी डिफ़ाइन करके दी तो कायदे अगर इकबाल की बात करें तो उनको कहा जाता है कि ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान के जो ख्वाब है वो पहले पहले डॉक्टर अमामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था तो वो ख्वाब क्यों देखा वो था क्या क्यों वाकई वो सो रहे थे और ऐसा कोई ख्वाब उन्होंने देखा था या कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे उन्होंने कोई चीज़ हमारे एक एज ए मुस्लिम नेशन हमारे सामने रखी कि जिसको हमने समझा कि एक बहुत ही बेहतरीन उसकी चीज़ थी जो जिसके बेसिस पे ही फिर आगे चल के हमने पाकिस्तान की तमीद खड़ी कर दी तो अलाम इकबाल का जो फेमस एक एड्रेस है जिसको हम खुदबाई इलाहाबाद भी कहते हैं या जो है सो अलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930 के नाम से भी उसको जाना जाता है तो ये वो दौर था जब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे और ग्रेट ब्रिटेन में जो है सो एक मुसलमानों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जो भी इंडियन पोलिटिशन्स थे सबकी उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि राउंड टेबल का मतलब ये नहीं कि कोई गोल मेज होगी और सारे उसके चारों तरफ बैठे होंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट देर का मतलब जो भी उनके का हो का कलर के कास्ट के उनकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो इकोनॉमिक जो भी आइडियोलॉजी उन सबको बुलाया गया था मीन्स आल एंड सनरी वर इन्वाइटेड टू तो अटेंड गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस तो सारे मुसलमानों के लीडर्स वहाँ पर गए गए हुए थे तो उसी दौरान मुस्लिम लीग का एक सालाना इजलान सोलान था और वो तय पाया गया कि भाई वो अलाहाबाद में होगा तो क्योंकि अलामा इकबाल एक, एक शायर मशरक के तौर पर जाने जाते हैं और वो बहुत बड़ा उनका अपना हो रहा था तो उनको कहा गया कि आप उस जो है ना मुस्लिम लीग के उस सेशन की सदारत करें या प्रेजिडेंसी आप उसकी करें तो जब जाहिर सी बात है सेशन कम्प्लीट हुआ और इकबाल साहब ने अपना खुतबा दिया तो उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जो वाकई तौर पर बहुत ही जो है ना उस उस वक्त जो है सो जो है ना खड़े हुए पानी में एक पत्थर मारने के मानंद हो गई और टू पुट थ्रोन इन स्ट्रेंगिंग वाटर लाइक वाटर तो इस किस्म का काम अलामा इकबाल ने किया तो उन्होंने कहा था कि जो जब उन्होंने खुदबा दिया कि आई वॉन्ट टू सी अमल दी पंजाब दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्राविंस सिंध एंड एन बलुचिस्तान इन टू अ सिंगल स्टेट यानी ये एक बहुत बड़ी चीज थी और उन्होंने कहा कि फॉर मी अंसोलीडेटेड मुस्लिम एम्पायर एटलीस्ट इन नार्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी टू मी एज एन अल्टरनेटिव एंड फाइनल इंडिया तो इस किस्म के अल्फाज पहले किसी ने नहीं कहे थे कायदे आजम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे तो वो भी चाहते थे कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हल निकल आए वो खुद मुसलमान और हिंदुओं को साथ लेके जाना चाहते थे और उन्होंने उनको आपको अगर याद होकर नाइनटीन सिक्सटीन वाला जो लखनऊ एक्ट हुआ था उसके अंदर भी कायदेम को सरोजिनी नायडू ने कहा था कि यू आर एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो कायदेजम भी उस वक्त तक तो नहीं चाहते थे कि अलग हूँ बिल बहरहाल ये पहली मरतबा इकबाल ने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं उनको अलग अलीहदा रियासत मिले वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ हो जिसमें पंजाब भी आ जाता था और जिसके अंदर एन डब्ल्यू एफ़ पी जो है सो आज उसका नाम है एन डब्ल्यू एफ़ पी आज उसका नाम के पी के है खेबर पखतूनख्वा फिर सिंध एंड बलूचिस्तान तो इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि दूसरी साइड्स हैं तो हैं बट बुनियादी तौर पे इस साइड में जो है सो नार्थ साइड में इन्होंने कहा कि मुसलमानों को ही अलग एक रियासत होना मैं समझता हूँ कि एक फाइनल डिस्टिनी हो सकती है तो कायदे आजम इस चीज़ को पहले परस्यू नहीं करते थे फिर बाद में उन्होंने जाके ये चीज़ कही कि भाई जो भी इस वक्त इलाम इकबाल के ख्याल थे मेरे भी ख्याल वही थे जो आगे चल के नाइनटीन फोर्टी के बाद कायदे आजम ने ये चीज़ कन्फेस की कि एक डीप स्टडी जब मैंने की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की और पॉलिटिकल क्राइसिस की तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कायद अलाम इकबाल ने जो कुछ कहा वो सही था और इस चीज को फिर आगे कायदे आजम ने लेके गया और कायद आजम ने कहा था जो उसने नाइनटीन का जो रिजोल्यूशन था तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई Uh, जो लाहौर के अंदर था उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा मुल्क नहीं चाहते कि जहाँ पे हम जो सो पीस ऑफ लैंड हमें नहीं चाहिए हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर हम इस्लाम को जो सो प्रिंसिपल्स को एज ए लेबार्ट्री ले 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 के तौर पे देख सकें एंड वी डू नॉट वांट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड बट वी रादर वी वांट लेबार्ट्री वेयर वी कुड एक्सपीरियंस ऑफ एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम तो ऐसा है हम एक मुल्क चाहते हैं सेम वॉज द केस विद जब उन्होंने इस्लामिया कॉलेज पिशावर में जो है सो वो एक खिताब दिया था उन्होंने यही चीज़ कही थी कि हिंदुज़म एंड इस्लाम आर नॉट टू सेपरेट रिलीजन बट दीज आर टू तो सोशल सिस्टम्स यानी एक अलग-अलग एक हकीकतें हैं सिर्फ़ ये दो मजाब नहीं है इनका अपना सोशल कॉन्टेक्ट इनका कोड ऑफ कंडक्ट अपना है और चूंकि इस्लाम को हम तो कहते हैं कि भाई एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है तो लाजिम तौर पर ज़ाहिर इस्लाम की एक अलग से डेफिनेशन है इन कम्पेरिजन ऑफ हिंदुजम तो कायदेम मेड इट वेरी क्लियर एंड ही सेड इट दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट वी आर टू डिफरेंट नेशंस बाय एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन तो ये एक क्रेडिट भी कायदे आजम को फिर जाता है फिर कायदे आजम ने आगे चल के इस चीज़ों को मजीद हम मुसलमानों के सामने वाजे कर दिया जो भी उस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमान थे कि भाई आप जो भी हैं देखें उन्होंने इस हद तक जाके कहा कि द डे फर्स्ट मुस्लिम एंटर्ड इंटू सब कॉन्टिनेंट आर द डे दी सब फर्स्ट नॉन मुस्लिम कन्वर्टेड इंटू इस्लाम देट डे द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज रिलेडेड तो ये सारी जो उनकी स्पीचेस थी जो उनकी सारी जो डेफिनेशंस उन्होंने बताई हमारे फोरफादर्स ने वो बुनियादी तौर पे इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि हम भले ही साथ रहते थे बट बहरहाल हमारा उठना बैठना हमारा रहन सहन हमारा खाना पीना हमारी रसूमात वो दूसरे मजहब के लोगों से लगती जिस बेसिस पे ही फिर आए पाकिस्तान की आइडियालॉजी का बुनियाद पड़ा और उसी बेसिस पे फिर आगे ले जाके पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी और ये जो सारी जो पॉलिटिकल जो आउटलुक बना मुस्लिम लीग का या कायद आजम का जो भी एक पॉलिटिकल एक आउटलुक बना वो 1906 से लेके 1940 तक तो वो कम्प्रोमाइज का था दे वॉन्टेड टू कम्पनसेट ईच अदर जो हिंदू से और दूसरे जो पोलिटिकल फोर्सेज थी उनके साथ कंप्रोमाइज एंड जो ए, सो कन्फ्रेंटेशन की तरफ वो चले गए बट बाद में ये चीज़ मुसलमानों में भी फील की और नाइनटीन फोर्टी से नाइनटीन फोटी सेवन तक मुस्लिम लीग ने कंप्रोमाइज़ और कम्पनसेशन को छोड़ के कन्फ्लिग्रेशन एंड कन्फ्रेंटेशन का इरा ली के उन्होंने कहा कि भाई अब और कोई सॉल्यूशन है नहीं जिस वजह से हम जो है सो एंड फाइनल इसी को समझ हैं। और फिर कायदे आजम ने कहा था कि फार्मी टू गेट पाकिस्तान इज़ एन अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी लेफ्ट फॉर द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान तो उस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट था तो मुस्लिम और सब कॉन्टीनेंट आपको तो समझ नहीं तो आज तक का लेक्चर यहीं तक है तो इनशाला हम नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे थैंक यू